आम लोगों को जिस प्रकार से आए दिन एक छोटी से छोटी योजना, चाहे वो पेंशन की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिस प्रकार से छोटी योजनाओं के लिए 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपए घूस देना पड़ता है तब जाके लोगों को लाभ मिलता है, इस सरकार में एक कर्मचारी के म्यूटेशन के लिए 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपए देकर म्यूटेशन करवाते हैं लोग। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सड़क आगे बनती है, पीछे टूट जाती है। भवन जो निर्माण होता है वो साल दो साल में टूट जाता है। पुल का जो निर्माण होता है साल दो साल में जर्जर हो जाता है। इन बातों को लेके इस सरकार में अफसरशाही चरम पर है, और अफसरशाही चरम पे होने के कारण भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ कि एकदम सातवें आसमान पर है। और इस सरकार द्वारा पोषित भ्रष्टाचार है, और ये विपक्ष के ही लोग नहीं, सत्ता पक्ष के भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये बोल रहे हैं कि सरकार में अफसरशाही हावी है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IVTV में, और मैं हूँ दक्षा आपके साथ। विधानसभा सत्र चल रहा है। इस विधानसभा सत्र में पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि कांग्रेस के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी प्रदर्शन जारी है। लगातार जो कांग्रेस के विधायक है वह प्रदर्शन करें अफसरशाही को लेकर के, और साथ ही उनका कहना है कि जब विधानसभा स्पीकर की नहीं सुनते हैं अफसर, तो फिर आम लोगों की क्या सुनेंगे। आप तस्वीरों में देखिए, आम लोगों को जिस प्रकार से आए दिन एक छोटी से छोटी योजना, चाहे वो पेंशन की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिस प्रकार से छोटी योजनाओं के लिए 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपए घूस देना पड़ता है तब जाके लोगों को लाभ मिलता है, इस सरकार में एक कर्मचारी के म्यूटेशन के लिए 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपए देकर म्यूटेशन करवाते हैं लोग। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सड़क आगे बनती है, पीछे टूट जाती है। भवन जो निर्माण होता है वो साल दो साल में टूट जाता है। पुल का जो निर्माण होता है साल दो साल में जर्जर हो जाता है। इन बातों को लेके इस सरकार में अफसरशाही चरम पर है, और अफसरशाही चरम पे होने के कारण भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ कि एकदम सातवें आसमान पर है। और ये सरकार द्वारा पोषित भ्रष्टाचार है, और ये विपक्ष के ही लोग नहीं, सत्ता पक्ष के भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये बोल रहे हैं कि सरकार में अफसरशाही हावी है। जिस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष जी के क्षेत्र में, जिस प्रकार से ये अधिकारियों में जो अफसरशाही जो व्याप्त है उसका नज़ारा देखने को मिला, तो आम जन की बात छोड़िए। जब एक जनप्रतिनिधि की बात अफसर नहीं सुन रहे हैं तो आम लोगों की बात क्या सुनेंगे। ये सरकार द्वारा पोषित भ्रष्टाचार है। का जो बजट पेश हुआ है, और बजटीय भाषण में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि विभिन्न क्षेत्र में जो ग्रामीण विकास का बजट है वो 100 करोड़ घटा दिया गया। जो जल जीवन हरियाली का बजट है 21-22 का, 22-23 में जो कि बहुत ही प्रिय है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो बजट 50 करोड़ का घटा दिया गया। जाहिर नहीं, इस तरह से हम सब लोग जो विपक्ष के लोग हैं यह बात बुलंद कर रहे हैं कि बजट की कटौती आप कर रहे हैं। तो बजट का खर्च नहीं, अधिकारियों को जेल भेजो, दागी पदाधिकारियों को जेल भेजो, अरे जेल नहीं तो संपत्ति जब्त करो, जब्त करो। तो देखा आपने कि किस तरीके से विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि घूसखोरी चल रही है, और विधानसभा स्पीकर की बात नहीं सुनते हैं अफसरशाही, और साथ ही घूसखोरी को लेकर के लगातार कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ IVTV पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।